Hello students, now you have to take out English literature book, means you have to take out Pearl's book. Today we will read a poem. Now you have to open page number 27 students. Poem name is Save Energy. Energy means urja. Students, you have to underline this word energy. Now we will start reading of the poem. Gary wrote this poem for a competition when he was 10 years old and got a second prize. Gary ने ये एक प्रतियोगिता के लिए कविता लिखी थी जब वह 10 साल का था और उसे second prize मिला था. He writes on the internet. और वह इंटरनेट पर लिखता था, मींस उसने यह पोएम इंटरनेट पर लिखा है. दिस इज द फर्स्ट पोएम आई हैव रिटन एंड विल प्रोबेबली बी द लास्ट. यह मेरी पहली पोएम है जिसे मैंने लिखा है और हो सकता है कि ये लास्ट हो. आई एम पुटिंग इट ऑल सॉरी आई एम पुटिंग इट फॉर ऑल टू सी. इट मींस मैं यह सब देखने के लिए डाल रहा हूँ. डाल रहा हूँ कहाँ डाल रहा हूँ बेटा? उन्होंने ये इंटरनेट पर लिखी थी तो वो इंटरनेट पर डाल रहे हैं कि सपोज अगर कभी भी किसी को पढ़ना या देखना हो तो वो देख सकता है. यू मे वॉन्ट टू प्रिंट इट एंड पुट इट ऑन द वॉल. अगर आप चाहते हो तो इसे प्रिंट कर सकते हो या फिर इसे वॉल पर रख सकते हो. और यू मे जस्ट प्रिंट इट सो दैट यू कैन बर्न इट. या फिर आप इसे सिर्फ प्रिंट कर सकते हो जलाने के लिए. अगर आप चाहते हो इसे जलाना तो आप इसे प्रिंट करके इसे बर्न भी कर सकते हो. एंड लास्ट ही सेइंग इट्स योर चॉइस. ये आपकी पसंद है. नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग द पोयम एंड इट विल कंटिन्यू फ्रॉम द फर्स्ट पैरा. कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस बेटा यू हैव टू अंडरलाइन दीज टू वर्ड. We have something very good, lots of lovely illuminations. Underline this word. Illuminations means light, roshni, from a fire to cooker hood. What does this para means? Badhai aur samaro, hamare paas kuch bahut acha hai, bahut sari pyari roshni hai, aag se cooker hood tak. Means this voice is saying कि हमारे पास कुछ बहुत ही अच्छा है, बहुत सारी रोशनी है आग से कुकर हुड तक. नाउ वी विल रीड सेकेंड पैरा. बट ट्राई नॉट टू वेस्ट एनर्जी. लेकिन कोशिश यह करें कि ऊर्जा बर्बाद ना हो. देयर आर थिंग्स दैट यू शुड डू लाइक इंसुलेशन ऑफ योर लॉफ्ट एंड लॉजिंग पाइप्स टू. स्टूडेंट्स यू हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड वेस्ट, इंसुलेशन, लॉफ्ट एंड लॉजिंग. लेकिन कोशिश यह करें कि ऊर्जा बर्बाद ना हो. ऐसी चीजें हैं जो आपको करना है. मींस जो गैरी है वो बोल रहे हैं कि जो भी हमारी एनर्जी है उसे हमें सेव करना चाहिए. और कैसे सेव करना है क्या नहीं करना है इस पोएम के थ्रू उन्होंने ये बताया है. देयर आर थिंग्स दैट यू शुड डू. ऐसी चीजें हैं जिसे आपको करना चाहिए आपके मचान के इंसुलेशन की तरह. लाइक इंसुलेशन ऑफ योर लॉफ्ट मीन्स आप अपने मचान के इंसुलेशन की तरह. इंसुलेशन मीन्स रोधक इन हिंदी एंड इंग्लिश. द मीनिंग ऑफ इंसुलेशन इज प्रिवेंटिंग हीट लॉस. हीट लॉस को बचाने वाला ऑब्जेक्ट. एंड लॉजिंग पाइप्स टू. सो क्लोज योर डोर, स्विच ऑफ योर लाइट, कंजर्व द एनर्जी. तो आप दरवाजे को बंद करें, अपना प्रकाश बंद करें, ऊर्जा का संरक्षण करें. मीन्स कंजर्व द एनर्जी का मतलब है कि अगर हम डोर को बंद कर देते हैं, लाइट को स्विच ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे तो हमारी एनर्जी सेव होगी. टर्न डाउन योर हीट, टर्न ऑफ योर गैस, सेव इलेक्ट्रिसिटी. अपनी गर्मी को बंद करें, अपनी गैस बंद करें, बिजली बचाओ. मीन्स
टर्न डाउन योर हीट, टर्न ऑफ योर गैस, मीन्स जब कभी भी हमें किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं है तो वो चीज़ हमें बंद कर देनी चाहिए। और जब कभी भी कोई चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, अगर हम ये सारे बंद कर देंगे, सपोज आप रूम में बैठे हो, यू आर सिटिंग इन द रूम एंड यू आर ओपनिंग द फैन, आपने फैन ऑन किया बट आप कमरे के बाहर चले गए हो लेकिन आपने फैन ऑफ नहीं किया, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज़ वाई द things which are needed you have to use, and while you are not using anything you have to switch off or you can turn off the thing whatever you doesn't need. Now the last para, your fossil fuels are precious, but underline precious means important, kimti, they may not last for long, if we do not conserve them one day they will all be gone. Means now in last para the poet is saying जो हमारे fossil fuels होते हैं, ईंधन होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं। क्यों? Because as you have read in science, fossil fuels are formed after a million of years ago. These are the decayed plants and animals which are buried under the surface of earth and they are converting into fossil fuel after a millions of means after a millions of years ago. ये जो fossil fuels होते हैं इनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, बहुत टाइम लगता है, इसलिए हमें इन्हें क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं। Now I will read again these lines. Your fossil fuels are precious, they may not last for long. हमारे लिए fossil fuels बहुत कीमती हैं और ये लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। If we do not conserve them, one day they will all be gone. अगर हम इन्हें सेव नहीं करेंगे, means संरक्षित नहीं करेंगे, students underline this conserve word, conserve means save, अगर इन्हें हम सेव नहीं करेंगे, इन्हें अगर हम बचाएंगे नहीं, एक दिन ये सब चले जाएंगे, means one day they will, तो ये जो हमारे fossil fuels हैं, सारी चीज़ें हैं, एक दिन ये सारी चीज़ें चली जाएंगी, means one day they will all be gone, एक दिन वे सब चले जाएंगे। So this is the poem written by Gary. Students, now from this poem we come to know that we should save electricity, energy and fossil fuels. Thank you.